coming, sir. Come in. Darwaza band kar lo. Lock the door. Sir, irada to theek hai na aapka? Agar mera irada galat hota to darwaza lock main karta. Dekho, tum janti ho main hu editor bada sakht kyunki mera boss hai Mr. Wak. Time se chalna chahiye. Janti ho tum, mari naukri jane wali hai. Kya? Baitho. Dekho, tumhe malum hai ki Bombay time ka bura time chal raha hai. Charon taraf ghata hi ghata hai. Isliye 100 aadmiyon ko naukri se nikal dene ki list bani hai. Us list mein tumhara bhi naam hai. Sabse pehle या आखिर में? ओहो, बीच में हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम एक अच्छी रिपोर्टर हो और मुझे तुम्हारे काम करने का अंदाज बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं एमडी साहब से टेलीफोन पे बात करके तुम्हारी सिफारिश करूंगा. थैंक यू सर. ये लीजिए, जल्दी बात कीजिए. नहीं नहीं नहीं, अभी इसका टाइम नहीं फिक्स हुआ. नो नो नो. कब करेंगे सर? नौकरी चले जाने के बाद? मैं तुम्हारी सिफारिश एमडी से तब कर सकता हूँ जब तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आओ. कोई ऐसी खबर लेकर आओ कि जिससे हंगामा मच जाए. सर, रोज रोज थोड़ी बम ब्लास्ट होता है, रोज थोड़ी कोई बड़ा आदमी मरता है. ओहो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा. यस, फाइल फाइल. ये उस लड़के की फाइल है जिसको बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वजह से कल ये रिहा हो रहा है. देखो. सर, ये तो शक्ल से ही रेपिस्ट लगता है. अदालत का भी यही मानना था, लेकिन लड़का आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, निर्दोष है. रिकॉर्ड्स के मुताबिक बलात्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन लड़के ने अपने दोनों साथियों का नाम नहीं बताया. अब बाहर आते ही ये लड़का अपने साथियों से मिलने की कोशिश करेगा, या वो इससे मिलने की कोशिश करेंगे. अगर तुम उन दोनों लड़कों का पता लगा कर ये साबित कर दो कि रेप के बाकी दो मुजरिम वो थे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर बन सकती है. हाँ सर, बनती तो है, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि ये लड़का सचमुच निर्दोष है तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा ना. अगर ये लड़का निर्दोष था तो असली गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा. अगर ये लड़का निर्दोष नहीं था तो इससे मिलने को जरूर आएंगे. इसलिए अगर हम लड़के पे नजर रखें तो हमको असली गुनहगारों का पता लग सकता है. क्या सोच रही हो? नहीं सर, मैं सोच रही थी कि कभी तो वो दिन आएगा जब कोई लड़का मेरा पीछा करेगा. इस नौकरी के चक्कर ने तो सब उल्टा चक्कर चला दिया है. अब इस लड़के का पीछा मुझे करना पड़ेगा. करना पड़ेगा, रोजी रोटी का सवाल है. करूंगी सर. तुम जाओ. रोटी, रोजी. 4 साल की सजा काटने वाला मुजरिम, अपराधी या निर्दोष, अच्छी हेडलाइन है, आर्टिकल भी अच्छा. थैंक यू सर. लेकिन इसे अखबार में मैं छापूंगा नहीं. क्यों? इसलिए कि तुम्हें ऐसी मनगढ़ंत कहानी लिखकर लाई हो जिसकी सच्चाई सिर्फ तुम्हारा मन मानता है. और मेरा मन जो मानता है वही सच्चाई है सर. आप ये खबर एक बार छाप के तो देखिए. दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा. तुम्हें क्या ये भैंसों का तबेला लगता है जो दूध और पानी की बातें करने लगी? देखिए सर, आपने एक केस मुझे सौंपा था और जब मैं इस केस की गहराई तक पहुंच गई हूँ, आप मेरी खबर छापने को तैयार नहीं है. देखिए सर, आपको ये खबर छापनी ही पड़ेगी, वरना 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 क्या करोगे? सन टाइम्स अखबार वाले मेरा आर्टिकल छापने को तैयार है. यानी तुम मेरे दुश्मन अखबार वालों के पास जाकर आर्टिकल छपवाओगी? क्या करूँ, मजबूरी है. देखो, ये बड़ी गलत बात है. तो मेरे यहाँ काम करती हो और अपना और मेरा बेकार वक्त बर्बाद मत कीजिए. साफ साफ बताइए कि आप आर्टिकल छापने वाले कि नहीं. माँ, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती. तुमने ही उस लड़के को एक दिन पहले जेल से रिहा करवाया. मैं तो वहाँ ठीक 9 बजे पहुँच गई थी, लेकिन संडे होने के कारण उसे एक दिन पहले छोड़ दिया गया. अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ माँ, इतने बड़े शहर में मैं उस मवाली को कहाँ ढूंढती फिरूंगी? हे माँ, एक बार, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दे. ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है. उसके आर्टिकल में मैं तेरा भी जिक्र करूंगी. अरे, ये तो वही रेपिस्ट है. वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया. अम्मा, मैं तेरा शुक्रिया अदा बाद में करूंगी, पहले अपनी रोजी रोटी का तो बंदोबस्त कर दूं. अरे, इतना बोझ मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहले कभी नहीं उठाया. समय टेढ़ी हो गई. नहीं, और फाइल उठाकर लाने के लिए मुझे मत बोलना भाई. मैं और फाइलें लाने के लिए नहीं बोल रहा. यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं, उनमें से रेप केस के आर्टिकल्स गायब हैं. लगता है तेरी जिंदगी में कोई और भी दिलचस्पी ले रहा है. बड़ी जोरों की भूख लगी है भाई. पहले तो पेट पूजा करो, उसके बाद.
हैं? दरवाजा खुला है? मैं गलती से ताला लगाए बिना तो नहीं चला गया? तूने ताला मेरे सामने लगाया था। इसका मतलब चोर हाथ साफ कर गया। चोर हाथ साफ होता क्यों है? चल अंदर चल चल। वाह क्या खुशबू है। जल्दी कर दी वरना मैं स्वीटिश भी बना लेती। कौन हो तुम? ओह सॉरी मेरा नाम ऋतु है। मेरा नाम गोपाल। ये सारा खाना तुमने हम दोनों के लिए बनाया है ना? आप दोनों के लिए नहीं हम तीनों के लिए बनाया है। ओ, ये कटिंग्स तुमने लगाई हैं यहाँ? हाँ सोचा था तुम्हारे काम आएंगी लेकिन बातें बाद में पहले खाना ओके? हाँ चलो। कौन हो तुम? ब्रदर ये तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है। ए मिस्टर हाथ छोड़ के बात करो। मेरी एक कंप्लेंट तुम्हें 4 साल के लिए रेप केस के जुर्म में अंदर कर सकती है। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ समझे? नहीं नहीं सिस्टर ऐसा कदम मत करना। तुम तो अच्छी लड़की लगती हो। वो तो मैं हूँ ही इसीलिए तो यहाँ आई थी इसकी मदद करने। मगर ये तो हाथ पकड़ता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाया गया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये मेरी अपनी जंग है उसे लड़ूंगा भी मैं ही। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी अपनी जंग है और तुम इसे खुद लड़ना चाहते हो लेकिन इस जंग में अगर तुम्हारा कोई साथ देना चाहे तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? May I come in? Yes, come in. मैडम मैं बॉम्बे टाइम्स की रिपोर्टर हूँ और ये मेरे दो साथी हैं। बैठिए। थैंक यू। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जी आज से 4 साल पहले आपके कॉलेज में 3 लड़कियों का रेप हुआ था उसी के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ हुआ तो जरूर था लेकिन उस वक्त मैं प्रिंसिपल नहीं थी मिसेस जेटली थी। उनके हस्बैंड मिस्टर जेटली भी इस कॉलेज के करेस्पोंडेंट हैं? वो अब नहीं है। क्या आप उनका एड्रेस दे सकती हैं? आई एम सॉरी आज से 4 साल पहले मिस्टर एंड मिसेस जेटली कार एक्सीडेंट में मारे गए। मगर आप उन 3 लड़कियों का एड्रेस तो दे सकते हैं जिनका रेप हुआ था? हाँ उसमें से 1 लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरी इंस्पेक्टर की बेटी है जो अभी भी शायद कोमा में है। हाँ शीतल का एड्रेस मिल सकता है। यस मैडम। राम सिंह इन्हें शर्मा जी के पास ले जाओ और देखो शीतल डोगरा का एड्रेस मिलता है तो इन्हें दे दो। जी मैडम। आप जाइए। थैंक यू। वेलकम।